स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट टू ऑफ चैप्टर सिक्स ऑफ सेवेंथ क्लास, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. इन दिस वीडियो वी विल डू एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द केमिकल चेंज. द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. तो ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है. इस मैग्नीशियम रिबन को हम पहले जलाएंगे, फिर उसके बाद हम जो उससे प्रोडक्ट बनेगा उसको चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है. तो मैं इसको कैंडल फ्लेम में रख रहा हूँ. तो जब ये जलेगा तो इसको देखना थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होगी. देखिए मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, तो इससे जो एस प्रोड्यूस्ड हुई है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है. तो हम थोड़ा सा और एश कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार जब हमने मैग्नीशियम रिबन जलाया तो उससे एश थोड़ा कम प्रोड्यूस हुई है. तो हमने इसमें डाल दिया. जो ऐश है वो यहाँ पे कलेक्ट कर ली है, ठीक है. और इसमें थोड़ा हमने वाटर ऐड कर दिया है. अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. तो हम रेड लिटमस पेपर का यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसको चेक करने के लिए. तो देखिए मैंने इस सॉल्यूशन में इसको डिप किया, ये ब्लू कलर का हो रहा है, ठीक है. तो ब्लू कलर मीन्स ये जो आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है. तो बेसिक सॉल्यूशन, अब मैं इसका जो रिएक्शन है वो आपको बता देता हूँ. ये आपके पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम का जब आपने कंबस्शन किया, मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को, तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मतलब ऐश थी वो आपने यहाँ पे रखी, इसमें आपने थोड़ा वाटर ऐड किया, और वाटर ऐड करने के बाद वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक सब्सटेंस होता है, जिससे आपने रेड लिटमस पेपर से चेक किया वो ब्लू हो गया, ठीक है. तो इससे कंफर्म होता है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक सब्सटेंस है. तो जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है. तो आई होप आपको इस एक्टिविटी के थ्रू केमिकल चेंज समझ में आया. थैंक यू.